इतना महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, हम सब सुनते थे और मैंने खास करके कई बार सुना कि भाई संघ के लोगों को हमारे तिरंगे से कोई लगाव नहीं है, संघ का आरएसएस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा हमारे इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में, तिरंगे में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। लेकिन एक ऐसा वाक्य मेरे सामने आया पिछले दिनों मेरी विधानसभा में, उसको देख करके मैं बड़ा अचंभित रह गया। मेरे क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय केजरीवाल साहब ने पूरे दिल्ली में जो तिरंगा लगाने की ठानी, उसके बाद एक अभूतपूर्व माहौल देश को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के दिल्ली में छाया। उसी सिलसिले में मेरी विधानसभा के अंदर महाराजा सूर सैनी पार्क है, उसमें हमने तिरंगा लगाने के लिए परमिशन लिया एमसीडी से बकायदा, और तिरंगा लगाने पहुंचा। जैसे लगाने पहुंचा तो वहां पे कुछ लोग आ गए कि जी आप यहां नहीं लगा सकते। मैंने कहा क्यों नहीं लगा सकते भाई, कहते हम यहां पे शाखा लगाते हैं, यहां हमारा झंडा लगता है। मैंने कहा गजब हो गया भाई, भाई तू शाखा लगाते तो कोई बात नहीं, झंडा तो तुम्हारा भी है ये। तो मैं अपने मुद्दे को उठा रहा हूं, और सुनिए मैं अपने मुद्दे उठा लूं भाई, मुद्दा उठाने में तकलीफ है क्या? आप बोलिएगा बाद में, मैं लिखित में दिया हूं, लिखित में क्षेत्र का मुद्दा है, मेरे मन की पीड़ा है ये, मुझे उसको उठाने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद मैंने उनको राजी करने का प्रति है कि भाई झंडा तो आपका भी है, ये तिरंगा झंडा, इसके लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, कई लोगों ने कई साल आजीवन कारावास, बहुत कुछ हुआ। अध्यक्ष महोदय, फिर उसके बाद वहां काउंसलर का फोन आता है कि आप अगर झंडा वहां से नहीं हटवाएंगे जहां लगवाना चाहते हैं, तब हम इसको बंद करवा देंगे काम। वो अनिल सैनी जी वहां के भाजपा के काउंसलर हैं। मैंने कहा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। मैंने कहा इसी झंडे के नीचे लगा लो अपनी शाखा, क्या समस्या है? नहीं, हमारा झंडा अलग होता है। तो ये जो सुनते थे वो मैंने अपनी आंखों देखा कि भाजपा का क्षेत्रीय काउंसलर ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया और कहता है कि हम किसी भी कीमत पे आपको ये झंडा नहीं लगाने देंगे। तो मैं आपके मार्फत इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं कि संघ और भाजपा बताए झंडा वहीं लगेगा। तो मैं ये बात बता दूं, राष्ट्रीय ध्वज वहीं लगेगा, और आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर कमिटेड है कि बिल्कुल लगेगा। तो मैं सारे विधायक साथियों का साथ चाहता हूं इसमें कि आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय, उन्होंने लिख के दिया, लिखित में नहीं, ये तो लिखित में दिया, ये बात बता दिया जाए। नहीं, आप डायरेक्शन नहीं दे सकते, आप यू कांट गिव दिस डायरेक्शन टू मी। अध्यक्ष जी, इन्होंने लिख के दिया, ऐसा हुआ, लिख के दिया, इन्होंने लिख के दिया, लिख के दिया है, लिख के दिया। ये मेरे क्षेत्र का मुद्दा है भाई, आपको कैसे मना कर सकते हैं आप उसको उठाने से? आपको चैलेंज करना है, चैलेंज करना है। मैं चैलेंज कर, मैं आज भाजपा के साथी भी यहां बैठे हैं, उन्होंने लिख के दिया आरएसएस, इन सबसे आज भाजपा लिखा है, आज भाजपा। अच्छा, आपका आपत्ति क्या है इसमें? बिस्सा बैठ जाइए ना, बोलने दीजिए मुझे बिस्सा, ये बात ठीक नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो और आप साथ दे रहे हैं उनका, नहीं नहीं, आपको क्या दर्द हो रहा है इसमें? ये दर्द आपको क्यों हो रहा है भाई? आपको तो साथ देना चाहिए था हमारा, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं आप। अगर ये बात सोमनाथ जी, दो मिनट रुके, अध्यक्ष महोदय, सोमनाथ जी दो मिनट रुके, बैठिए दो मिनट, बैठिए दो मिनट, बैठिए बैठिए एक सेकंड। अच्छा ये रहता, विपक्ष के लोग ये कहते हैं अगर कहीं कुछ गलतफहमी हुई है हम वहां चलते हैं और राष्ट्रीय ध्वज लगवाते हैं, बींग दी मेंबर ऑफ दी ध्वज, स्टेटमेंट ये आना चाहिए था आपकी ओर से, ये स्टेटमेंट आना चाहिए था। आप उसके बजाय दूसरी बात कर रहे हैं, आपको आपको लगता है प्रचार कर रहे हैं आप इसको चैलेंज करिए ना, आपके पास राइट है, लिखित आप लिखित में दीजिए मुझे, लिखित में दीजिए, आप लिखित में दीजिए मुझे, हाँ दीजिए लिखित में। भाई हो गया, प्लीज।
सारे जितने एमएलए साहिबान है सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि इसको इस अपमान को हम नहीं सहेंगे और झंडा वहीं लगेगा, वहीं लगेगा। अध्यक्ष महोदय, ये तो जग जाहिर था कि 52 साल तक आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया, ये सब जानते हैं। आरएसएस का तिरंगे के प्रति अपमान सब जानते हैं। इसलिए मैं भाजपा के साथियों कहना चाहता हूँ, लिखित में दिया भाजपा का, लिखित में दिया। अगर आपको लगता है दुरुपयोग किया जा रहा है, आज का जो छद्म राष्ट्रवाद है आज सबको मालूम पड़ गया। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करो। अनिल वाजपेयी अध्यक्ष महोदय, एक लाइन, आज चूंकि आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ऐसे इस प्रकार के अटेम्प्ट के खिलाफ आपको इसका संज्ञान ले और उनको आदेश दे कि भाई कुछ भी ऐसा कोई करे उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका ये मुद्दा उठाने का मौका दिया था।